ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं जो प्रभु की पालना में उनके वरदानों में पल रहे हैं। कभी सोचा था कि रोज हमें भगवान से वरदान मिलेंगे? भक्ति करते थे, तपस्या भी करते थे, सोचते थे कभी भगवान राजी तो अवश्य होगा और हमें वरदान देगा, हम उससे ये मांगेंगे ये मांगेंगे। परंतु जब वो आया तो हमें पता चला वो वरदाता तो हमारा अपना है और अधिकारी बच्चों को वो सदा ही अपने वरदानों की पालना में पालता है। हम सभी उनके अधिकारी बच्चे हैं। जिसने स्वयं पर अधिकार कर लिया, जिसने बाबा के दिल तख्त पर अधिकार कर लिया, वे उसके अधिकारी बच्चे बन जाते हैं और उन्हें वे सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। तो हम सभी बाबा के अधिकारी बच्चे बने और रोज बाबा से अमृत वेले वरदान लें। बहुत सुंदर वरदान लेने की विधि है। बाबा के सामने हैं हम सूक्ष्म लोक में, सामने देखें उन्हें, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे महायोगी भव, माया जीत भव, दिव्य बुद्धि से संपन्न भव, सुख शांति संपन्न भव, संपूर्ण पवित्र भव। वरदान लिए रोज बाबा से चित सुकून पाएगा, चैन पाएगा, मन आनंदित होगा, रोज प्रभु मिलन का आभास होगा। योग करते करते एक योगी की स्थिति बन जाती है न्यारे और प्यारे। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। जितना जितना देह से न्यारे होते जाते हैं उतना अपने चारों ओर के वातावरण से, संबंधों से, लगावों से, आसक्तियों से, कर्मेंद्रियों के आकर्षणों से न्यारे होते जाते हैं। और जितने जितने न्यारे होंगे उतने ही विश्व के प्यारे भी होते जाएंगे। तो एक योगयुक्त आत्मा को बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। कर्म किया और कर्म से न्यारे हो गए, सबसे मिले जुले, प्यार दिया, अपनापन दिया और न्यारे हो गए। पदार्थों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया और न्यारे हो गए, अर्थात उनके इफेक्ट से, उनके आकर्षण से पूरी तरह मुक्त हो जाना, यही योगी की श्रेष्ठ पहचान है। और जो मनुष्य आसक्त होता है, जो न्यारा नहीं रहता, वो तो सचमुच योगी है ही नहीं, क्योंकि सारा दिन हमें कर्म के संबंध में आना है, सारा दिन हमें मनुष्यों के संबंध में आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों के और अनेक साधनों के संबंध में आना है। उन सब को यूज करते हुए, उनके साथ रहते हुए न्यारे हो कर रहे, जैसे हम उनमें अटके हुए नहीं हैं। हमारा चित्त तो ब्रह्म है, ऊपर है। इसके लिए हमें बहुत अच्छी साधनाएं करनी पड़ती हैं, विशेष रूप से कि ये सभी साधन विनाशी हैं, ये हमारे यूज के लिए हैं। हमें इनमें आसक्त नहीं होना, क्योंकि इनसे अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलने वाली हैं। और यदि हम इनमें आसक्त हो जाते हैं तो बुद्धि योग तुरंत टूटने लगता है। तो हमें ऐसा अभ्यास रखना है। आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा विश्व कल्याण की खातिर बाबा के साथी बनकर इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। सारा समय
हर घंटे में एक दो बार ये गुड फीलिंग रखेंगे और रोज सवेरे बाबा से वरदान अवश्य लेंगे। और आज के दिन तो सवेरे भी वरदान लेंगे और दिन में भी दो चार बार इसे अपनी गुड फीलिंग और नशे में लाएंगे। ओम शांति।